नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उन शेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने आज बोलिंजर ब्रांड के स्क्वीज से ब्रेकआउट दिया है, प्लस 3% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और उन्होंने पिछले 5 दिन का जो हाई का मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुए हैं। तो हम एक एक करके सारे शेयर इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप कहीं न जाए और लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट स्टॉक है वो है फैक्ट। फैक्ट का नाम है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनको लिमिटेड। इसने आज 18.8% का रिटर्न दिया है और ये आज की लिस्ट में टॉप पे है। तो हम चलिए फैक्ट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो फैक्ट का ये चार्ट है, ये काफी समय से बोलिंजर बैंड के स्क्वीज में था और आज इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट दिया है। तो अगर प्राइस कल इसके ऊपर मूव हो रही है या आप जो लिस्ट बन रही है, अगर लिस्ट के सारे स्टॉक्स में एक साथ सेम अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये भी एक तरीका होता है कुछ, जैसे पोर्टफोलियो डिजाइन का तरीका, जैसे आप कहते हैं कि मल्टीपल स्टॉक्स आप परचेज करिए सेम अमाउंट में, ताकि उनका जो एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट को कंपनसेट कर सकता है। और अगर सभी ऊपर जा रहे हैं तो आप भी का पोर्टफोलियो भी ग्रीन में रहेगा, उस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये अच्छे वॉल्यूम के साथ है तो कल भी हो सकता है कि ये, मतलब देखो स्टॉक मार्केट में सभी चीजें पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऊपर चला जाएगा कि 700 चला जाएगा कि 800 चला जाएगा, पर अच्छा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ पिछले काफी समय के हाई से। ये क्या लाइफ टाइम हाई, आई थिंक ये अपने लाइफ टाइम हाई पे है और ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो एक हमने इसमें जैसे 3000 का है तो 6 स्टॉक इसमें के खरीद लिए, वो अगर कोई 100 रुपए का है तो उसके 3000 के हिसाब से कितने बनते हैं, 30 स्टॉक उसके खरीद लिए, तो मतलब 3000 के। जैसा मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास जो कैश पड़ा रहता है उसमें मैं जो ये स्टॉक्स आते हैं जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है उनको सेम क्वांटिटी में खरीद लेता हूँ। पर इसमें बहुत सारे स्टॉक क्या होते हैं कि ये जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सेम चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बोलिंजर ब्रांड का ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया, उसी दिन परचेज कर लिया जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था और ईओडी के आसपास मैंने परचेज कर लिया। अब देखिए ये स्टॉक कहाँ गया, नीचे गया और ईएमए के पास टच किया। अब सारे स्टॉक ऐसे नहीं होते हैं जो ईएमए के पास टच करते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, तो इसने किया और फिर ये ऊपर गया। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ भाग जाते हैं और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको ये रिवर्सल किया फिर और नीचे भी चले जाते हैं। तो हर तरह के स्टॉक्स होते हैं। तो अब जिस तरह से इसमें हमें ब्रेकआउट मिला, इसमें हो सकता है कि कल ये सीधा ऊपर ही चला जाए, हो सकता है कि 20% आज इसने कितना 18% रिटर्न दिया, अगर इसका सर्किट चेंज नहीं होगा तो ये भी जो भी 10-15% रिटर्न दे सकता है। तो फिर दूसरा स्टॉक से है हमारा इसी सीरीज में, वो है आर्टेमिक मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड। वैसे भी आप देख रहे होंगे आजकल जो 2 दिन से मेडिकल के जो शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स काफी अच्छे जा रहे हैं। आप देखिए इसमें भी बोलिंजर बैंड का स्क्विज से हुआ, इस दिन देखिए ये 4% रिटर्न, इसमें भी ऊपर क्लोज हुआ बोलिंजर बैंड के, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ऊपर क्लोज होके फिर नीचे आ गया और फिर 2-3 दिन ईएमए का सपोर्ट लेके हुए फिर ये आज सिग्निफिकेंटली ऊपर गया। तो आज अगर ये ऊपर गया कल भी प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर जाने की कि ये ऊपर चला जाए। तो अगर हम सभी स्टॉक्स के तो सभी का 50% प्रोबेबिलिटी अप जाने का, 50% प्रोबेबिलिटी डाउन जाने का। और फिर ये क्या से डिसाइड पड़ेगा कि हम इसमें स्टॉक कर रहे हैं तो प्रॉफिट, तो ये आपको बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि जिस तरह जिस दिन का आप बास्केट ले रहे हैं, जैसे आज 8 शेयर ने इसमें आए हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है दिशमन कार्बोजेन एमिक लिमिटेड। तो मैं जो कह रहा था, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 8 शेयर हमारे इस लिस्ट में आए, आप 8 शेयर में का रिजल्ट देखिए, 5 दिन का 6 दिन का, क्या उन्होंने 6ों को मिला के अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, मतलब आपकी प्रॉफिटेबल है। अब 1 दिन का अगर जो भी अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, 7 दिन बाद में अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा,
तो या जब इतना प्रॉफिट आएगा तो मैं अपना बुक कर लूंगा। मतलब दोनों चीजें आप सेट कर सकते हैं कि या तो मेरा इसने भी इतना परसेंट आ गया, 30,000 इन्वेस्ट किया, इस पर मुझे 3,000 मिल गया, या तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा सारी कंपनी में, जिसमें लॉस है उसमें लॉस और जिसमें प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट बुक कर लूंगा, या फिर आप अपना दूसरा टारगेट सेट कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे हमारा थर्ड स्टॉक है डिकल, मतलब दुश्मन कार्बोजन अमिक लिमिटेड। इसमें भी देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसके सामने एक रेजिस्टेंस और है जो कि प्रीवियस हाई है। ये हो सकता है कि इसके आसपास ही ओपन होकर नीचे भी चला जाए या फिर ऊपर भी जाए। मतलब इसीलिए सारे स्टॉक एक साथ खरीदना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक अच्छे से मूव करने वाला है या जल्दी से मूव करने वाला है, ये सब चीजें। अब देखिए ये है हमारा फोर्थ स्टॉक, वो है सुवन लाइफ साइंस लिमिटेड। ये भी मेडिकल फार्मा का ही सेक्टर का स्टॉक है। इसने भी अपना ब्रेकआउट दिया है बोलिंजर बैंड का, लेकिन इसके पास भी एक हाई सामने पड़ा हुआ है जो कि 69 पे है, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके अलावा है हमारे पास टाटा कंज्यूमर, जिसने भी अपना बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दिया है देखिए, और इस ये भी अपने हाई के आसपास ही है, देख सकते हैं जो कि 884 के आसपास। अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया तो ये भी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है, तो टाटा कंज्यूमर है। इसके बाद हमारे पास है एक और शेयर जो है, अब देख लीजिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, मैं इसमें और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। टाटा कंज्यूमर है, और हमारे पास नेक्स्ट शेयर है टाटा कॉफी का। इसने भी देखिए ब्रेकआउट दिया और इसने तो सारे हाई भी ब्रेक कर दिए हैं। मतलब ये आई थिंक लाइफ टाइम हाई पे तो नहीं है, 1 मिनट इसका मंथली चार्ट खोल के देखने से हमें जल्दी से आइडिया हो जाएगा कि ये लाइफ टाइम हाई। हाँ ये भी अपने लाइफ टाइम हाई पे। एक तो फैक्ट जो हमने डिस्कस किया था वो लाइफ टाइम हाई पे था, और एक टाटा कॉफी जो है अभी लाइफ टाइम हाई पे इसने ब्रेकआउट दिया है, जो कि डेली चार्ट में हमें ब्रेकआउट मिला है, डेली चार्ट में ही हमें ब्रेकआउट मिल गया है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास दो स्टॉक अभी और हैं। एक स्टॉक है मुंजल शोवा लिमिटेड, मुंजल शोवा लिमिटेड, आप यहाँ पे देखेंगे इसका ये। अब इसमें आपको ये भी ब्रेकआउट दिया है और ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन इसमें देखेंगे आपकी विक काफी बड़ी लंबी है और जो हाई का रेजिस्टेंस भी आपके पास है। मतलब तीन चार स्टॉक ऐसे हैं जिसमें हाई का जो वैल्यू है, मतलब जो लेटेस्ट हाई है, वो जस्ट प्राइस जो आ रही है उसके जस्ट ऊपर ही है, तो मतलब वो एक क्या आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हमारा जो लास्ट एक स्टॉक है इस सीरीज का वो है बायोफिल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो मैक्सिमम जो है इसमें फार्मा सेक्टर के ही स्टॉक्स हैं। फैक्ट फर्टिलाइजर का स्टॉक था, बाकी मैं अर्थेमिक मेडिकल केयर ये मेडिकल का था, सुवन लाइफ साइंस मेडिकल का था, फिर मंजूषा ये नहीं फिर आपका बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल ये भी मेडिकल का, मतलब चार स्टॉक से ज्यादा मेडिकल के हैं। अब बायोफिल ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो कैंडल बनी हुई है 27 फरवरी 2023 को, ये इधर 52 रुपये 65 की प्राइस से रिजेक्ट हुआ था, तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस का काम इसमें कर सकता है। तो ये स्टॉक्स आपको कैसे लगे? अगर एक साथ सभी में स्टॉक करते हैं तो कोई भी स्टॉक्स अगर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे एक दो स्टॉक्स आपको 1-2% ही या फिर 1-1.5% नेगेटिव में दे रहे हैं, और एक दो स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, हो सकता है एक स्टॉक ज्यादा फॉल भी हो जाए, तो भी आप ओवरऑल आपके चांसेस रहते हैं कि आप प्रॉफिट में रहोगे। और अगर आपको एक ही स्टॉक में ज्यादा कन्विक्शन है कि नहीं यही जाएगा, तो आप उसी में स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, आप कम्युलेटिव अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, तो इतना मेरा अगर स्टॉप लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा सभी स्टॉक्स में मिलते, तब मैं एग्जिट होगा, और वो जल्दी से आपका हिट नहीं होगा। और अगर टारगेट भी उसी तरह से रख सकते हैं कि सभी में मिलके मेरा इतना हो जाएगा, या फिर आप अगर कुछ स्टॉक ज्यादा ही एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं कि आपका टारगेट भी डिस्टर्ब नहीं हो और जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स है उसको आप एग्जिट भी कर सकें, और अगर वो जो अच्छा स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको आप अच्छे और
राइड भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये वीडियो में इतना ही, अब जो नेक्स्ट वीडियो में कल लेके आऊंगा उसके लिए आप देखिए, और आप इनका बैक टेस्टिंग भी करिए जो मैं वीडियो दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज वीडियो देखा और आपको अच्छा अगर लगा ये कि प्लान अच्छा है तो इसमें इन्वेस्ट कर दें, तो आप पहले देखिए कैसे परफॉर्म करता है। आप ग्रुप में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये कैसे परफॉर्म करता है, एक सिंगल स्टॉक की बजाय अगर ग्रुप में इन्वेस्ट करें तो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। पहले मैं इंडिविजुअल स्टॉक के वीडियो बना रहा था लेकिन वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैंने आज सभी स्टॉक को एक साथ ही इसमें इसमें मैंने इनके फंडामेंटल्स कवर नहीं किए हैं। आप स्कैनर डॉट इन पे या जो भी आपको वेबसाइट अच्छी लगे उनके फंडामेंटल्स भी आप चेक कर सकते हैं कि किसके फंडामेंटल्स आपको सूट करते हैं, और उस हिसाब से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।